हरे कृष्णा। तो आज मेरी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। बेसिकली आज गुरु महाराज के साथ में इंटरव्यू है दीक्षा के लिए। तो मैं तो वैसे बहुत टकला रहता था, बट अभी थोड़े दिन से मैंने बीएड वगैरह रखे थे, जा रहा हूँ टकला होने। टकला होके आऊंगा, 11 बजे गुरु महाराज के साथ में इंटरव्यू है, देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल अभी मैं आ गया हूँ वरिंदर प्रभु को लेने, क्योंकि उनका भी साथ में इंटरव्यू है, उनकी भी दीक्षा है। तो मैं और वरिंदर प्रभु आ चुके हैं। जिंदगी में मुझे इतनी डर नहीं लगी थी जितना मुझे आज लगा। मतलब याद तो है सब, पर ऐसा लग रहा है कि सब भूल गया हूँ और पैर ऐसे कांप रहे हैं। प्रभु जी आपका क्या हाल है? सेम। पेट में गुड़गुड़ हो रही है, पेट में गुड़गुड़। मैं जिंदगी में, मैं 10वीं का बोर्ड का एग्जाम दिया, कैट का एग्जाम दिया, सीईटी का एग्जाम दिया, सब में पास भी हो गया। इतना डर मुझे कभी नहीं लगा जितना डर आज लग रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ठाकुर जी की कृपा से हमें चंदन सेवा भी मिल गई। एक्चुअली बेसिकली हमारी इंटरव्यू थी 11 बजे की, बट वो कैंसिल हो गए। महाराज वहाँ से पता चला कि आप लोग का इंटरव्यू होगा 1 बजे, तब तक हमने चंदन वाली सेवा भी कर ली। अब हम जाएंगे, 1 बजे है, 12:30 बज रहे, तो भी हम पहुँच रहे हैं इंटरव्यू के लिए। फाइनली मैं पहुँच गया हूँ और मेरे हाथ पैर सब कांप रहे हैं और मैं सब भूल गया हूँ जितना भी चीज मुझे याद है। खाऊंगा मैं बाहर, महाराज को देखते हैं तो हालत खराब हो जाती है। यहाँ पे सारे डिवोटीज वेट कर रहे हैं, गुरु महाराज एक एक जन को बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। और सबसे पहले मुझे बुलाने वाले हैं, मतलब गुरु महाराज के साथ में हमारा इंटरव्यू तो हो गया। और मजे की बात यह है कि सबसे पहले मुझे भेजा, मेरी तो पूरी सीटी पिट्टी उधर ही बंद हो गई गुरु महाराज को देखते हुए। महाराज ने क्वेश्चन पूछा, क्या करते हो? मैंने बताया महाराज मैं एक एनजीओ चलाता हूँ। तो महाराज बोलते पैसा कमाने के लिए चलाया? नहीं, मैंने आरुष फाउंडेशन की जितने भी पैसे आई है मैंने सबके सब सही जगह पे यूज किया, कभी कमाने के लिए नहीं किया। महाराज को वो भी बताया। और महाराज पूछते हैं एज क्या है आपकी? मैंने बताया 25। कहाँ रहते हो? मुंबई में, मीरा रोड में। मैं लाइफ में इतना डरा कभी नहीं था जितना मैं महाराज के साथ में डरा था। कल हमारा होगा दीक्षा, तो हम कल मिलते हैं आपसे। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो फाइनली वो जो दिन था वो आ चुका है। मेरा बहुत डिजायर था कि हिजोलिनेस गोपाल कृष्ण महाराज से मैं दीक्षा लूँ, तो आज वो दिन आ चुका है। तो मंदिर में हमें बुलाया 9 बजे, तो अभी पूरा सेवा वगैरह पूरा करके मैं फ्री हो चुका हूँ। अब मैं जा रहा हूँ मंदिर में। बेसिकली दीक्षा लेते ही मैं, जब तक गुरु नहीं रहेंगे तब तक हम कृष्ण को नहीं पा सकते। दीक्षा जो है आध्यात्मिक जीवन का पहला स्तर है। जैसे हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं पढ़ाई के लिए, तो उसी तरीके से जैसे हम दीक्षा लेते हैं तो ये हमारे आध्यात्मिक जीवन का पहला स्टैंडर्ड है कि धीरे 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 हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो आज भगवान के और गुरु महाराज की कृपा से और सब भक्तों की कृपा से, मेरे जो शिक्षा गुरु हैं इस गृह धनमाली प्रभु, उन सबकी कृपा से आज सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। डर भी लग रहा है अंदर कि मतलब वर्ड्स नहीं है कैसे बताऊं, बट अंदर हार्ट बीट धक 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 कर रहा है। सो जाता हूं मंदिर वहाँ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर में, पहले भगवान के दर्शन कर लेंगे। दर्शन करने के बाद देखते हैं कि हमें कहाँ जाना है। तो ये माता जी बेसिकली फॉर्म भर रहे हैं, गोपाल महाराज के जितने भी डिसाइपल्स हैं उनका फॉर्म यहाँ पे भरा जा रहा है। और यहाँ पे यज्ञ की तैयारी होगी, जो बेसिकली यहाँ पे यज्ञ होगा, यहीं पे दीक्षा होगा। आज का आकाश तिवारी मर जाएगा, एक नया जन्म होगा उसका, स्पिरिचुअल लाइफ। आज आकाश तिवारी आज मर जाएगा, ये वरिंदर को भी मर जाएंगे आज। फाइनली सारा चीज रेडी हो चुका है और यहाँ पे जिनका फर्स्ट इनिशिएशन होगा वो ये साइड बैठ रहे हैं और जिनकी ब्राह्मण दीक्षा है वो ये साइड बैठ रहे हैं। थोड़ी देर में गुरु महाराज भी आ जाएंगे, गुरु महाराज का सीट भी रेडी हो चुका है, तो सारा चीज़ रेडी है। अब बहुत जल्दी दीक्षा भी हो जाएगा। अनंत
सो भैया कैसा रहा? वेरी गुड। अभी तक डर लग रहा है, तब तक हो रहा था हो गया। महाराज ने क्या पूछा? प्रणाम तो बोल दिया ठीक ठाक। हाँ फोन कर दिया, फोन करके तो पूछा सिटी भी देखा मुझे। जगदीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्राह्मण। सभी भक्त जो है आराम से धीरे धीरे पहले आगे बढ़े डालेंगे, लेकिन अग्नि के ऊपर नहीं डालना, अग्नि के चारों तरफ डालना है, अग्नि बुझ जाएगी। हरे कृष्णा। तो ये हमारी इनिशिएशन हो चुकी है और उसके बाद अभी परिक्रमा हो रहा है, तो जिनकी दीक्षा हुई है वो चार बार परिक्रमा करेंगे। तो मेरी तीन हो चुकी है, चौथे के लिए वीडियो के पास आया था, तो अभी जा रहा चौथा करना। पिछले साल की जो डिजायर थी किसी राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम और नेता शिल प्रभुपाद गुरु महाराज की इच्छा से पूरी हो गई। तो आज से मेरा जो नया नाम है मेरे गुरु महाराज ने दिया है, अनंत धाम दास। शिल गुरुदेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मैं उस लायक भी नहीं हूँ, पर गुरु महाराज ने मुझे अपना डिसाइपल एक्सेप्ट किया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। दीक्षा के बाद एक सेरेमनी होती है, बेसिकली जो डिसाइपल्स को करना होता है वो है भिक्षा मांगनी होती है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक नंबर दिया है, आप लोग भी मुझे भिक्षा देना। आपको मेंशन करना है दीक्षा की भिक्षा, जितना भी मुझे लक्ष्मी मिलेगा मैं सारे के सारे मंदिर में और गुरु महाराज को दे दूंगा। तो प्लीज़ आप लोग मुझे भिक्षा देना, अब मैं जा रहा हूँ बेसिकली भिक्षा मांगने। अभी मेरी समय आ चुकी है, इतना तो मेरे इकट्ठा कर लिया। हरि बोल प्रभु जी। आपको बच्चा दे रहे हरे कृष्णा। सो फाइनली हो गई इनिशिएशन, सो नाउ आई एम गोइंग होम। कल भी मुझे जाना है भुवनेश्वर गुरु महाराज की कृपा से। आने लिए दीक्षा भी हो गई। दीक्षा जो सेरेमनी है ये बेसिकली हमारे भक्ति मार्ग के लिए एक पहला स्टेप है। ये मेरे जीवन का बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, और जितने लोगों ने मेरे लिए प्रे किया, जितने लोगों ने मुझे हेल्प की, उन सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरे प्रभु जी, प्रभु जी का भी साथ में इनिशिएशन हुआ। प्रभु जी को नाम मिला विष्णु राघव दास। तो फाइनली दीक्षा वगैरह हो गया, मैं घर पे आया, फ्रेश हुआ, अब मैं जा रहा हूँ ये वीडियो जो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको बेसिकली एडिट करने के लिए। तो मैंने स्टोरी डाली फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सारे जगह पे, तो मेरे दोस्तों को लगा कि मैंने संन्यास ले लिया, अब मैं घर द्वार छोड़ दिया हूँ, अब मैं काम वगैरह नहीं करूंगा, मतलब मैंने संन्यास ले लिया। ऐसा नहीं है। दीक्षा का मतलब ये होता है कि आपने गुरु स्वीकार किया है, आप भक्ति पथ पे आगे जाना चाहते हो। संन्यास तो बहुत दूर की बात हो गई, मैंने कोई संन्यास नहीं लिया है, मैंने सिर्फ दीक्षा ली है। दीक्षा का अर्थ यही है कि हम एक गुरु स्वीकार किए हैं ताकि हम भक्ति मार्ग पे आगे जा सके। आई होप आपको वीडियो देख के अच्छा लगा रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो उड़ता आकाश को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना, तो अच्छा लगेगा। तो आज यहाँ से, कल से कुछ नया वीडियो आपको दिखाऊंगा। हरे कृष्णा बोले से वृंदावन धाम की जय।